अब बचोगे नहीं तुम। प्रणाम जोधा बुआ सा। तुम अब जानती हैं इसे? कौन है ये जोधा बेगम? शहंशाह, ये माधव सिंह है, मानबाई के भाई, हमारे भतीजे। आपने पहचाना नहीं? हिलना मत। जरूरत नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं, सब लोग पीछे। नहीं जोधा बेगम, माफ कीजिएगा बरखरदार, जब पहली बार हमने इन्हें देखा था ये बहुत छोटे थे। उसके बाद अब आमेर में जब हम गए थे मान सिंह की ताजपोशी के लिए, उस वक्त ये वहां मौजूद नहीं थे। परंतु माधव सिंह, ये कौन सा तरीका हुआ यहाँ पर आने का? क्षमा चाहता हूँ बुआ सा, बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं, लेकिन मानबाई के विवाह में तो आना ही था, बहन है हमारी। अभी अभी आया तो सोचा क्यों ना आपको चौंका दिया जाए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह। कोई बात नहीं बरखरदार, लेकिन बस इतना याद रहे कि आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से मुखातिब थे। आइंदा अगर कभी हमसे मिलना चाहें तो पीछे से नहीं, सामने से हमसे मिलिएगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बहुत खुश हैं कि आप एक मुबारक मौके पर यहाँ आए, और हमें यकीन है कि हमसे ज़्यादा खुश आपके वालिद साहब और आपकी बहन होंगी। खैर, हम चाहते हैं कि आप आराम फरमाएं, कल हम आपसे बात करेंगे। इन्हें मेहमान खाने लेकर जाया जाए, इनके आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शब खैर। प्रणाम। आइए जोधा बेगम। मान सिंह जैसे कुलद्रोही की परछाई नहीं है जलाल, हम तुम्हारी मृत्यु की परछाई हैं, जो अब तुम्हारे सर पर मंडराएगी। शहजादे मुराद, आप आ गए। आप आ गए शहजादे, मुझे मुझे यकीन था कि आप हमें बचाने जरूर आएंगे शहजादे। हमें बचा लीजिए शहजादे। चुप। हम आपको बचाने के लिए बेशक आए हैं, मगर अपनी आवाज को धीरे रखिए, किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्या क्या करता है शहजादे, इस काल कोठरी में पड़े पड़े सड़ रहा हूँ। मुझे यहाँ से आजाद कराइए शहजादे। छोड़िए, मुझे डर लग रहा है, कहीं दर्द बर्दाश्त का बांध पार कर गया और मेरे मुंह से आपके खिलाफ कुछ निकल गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझ रहे हो बात को? कुछ भी हो जाए अपनी जुबान नहीं खोलोगे तुम। खुश रहो। रानी साहिबा, ये शगुन सलीम की होने वाली दुल्हन की मेहंदी की रस्म के लिए है, इसे कबूल कीजिए और रस्म शुरू कीजिए। धन्यवाद मरियम मक्कानी, किंतु हम मेहंदी नहीं लगा सकते मानबाई को। सबसे पहले दुल्हन को उसकी सास मेहंदी लगाती है, यही रिवाज है। सही कहा आपने जोधा, मेहंदी लगाएं। आइए जोधा भाई साहब। नहीं अम्मी जान, हमें मेहंदी नहीं लगा सकते,